तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम पे। तो हमारे एक स्टूडेंट है या व्यूअर है या मेरे मोबाइल ऐप यूजर है अंकित जी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। उनके पास एक फाइल है जिसमें बहुत सारे शीट्स हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से। अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे उस शीट का नेम लिखेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे मान लीजिए कि जैन लिखा, तो नीचे जैन का पूरा डेटा आ जाना चाहिए, जैन का पूरा डेटा आना चाहिए। अगर उन्होंने फैब लिखा तो फैब का पूरा डेटा आना चाहिए, शीट्स का डेटा आना चाहिए। तो अब एक डेटा में अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन से निकालना हो तो चल सकता है, लेकिन मैं यहां पे सीट नेम दू और सीट का पूरा डेटा आ जाए। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पुनीत जी आपके पास कोई आइडिया है क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है फिल्टर का, फिल्टर, और मैंने यहां पे पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करके एंटर मार दिया, इंक्लूड। इंक्लूड में मान लीजिए मैंने एक P1 को लिया और बोला कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो रिजल्ट आपके सामने है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, यहां भी यहां तो जैन है, मैं चाहता हूं इससे ले, सीट से ले, तो मैं यहां इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर जैन को डिलीट करता हूं, जैन के जगह इसको सिलेक्ट करता हूं, एन परसेंट हमने इसको लिया और इसको हमने कंबाइन किया, फिर इनडायरेक्ट फॉर्मूले को क्लोज किया। वापस यहां भी हम सेम जैन को डिलीट करते हैं, इनडायरेक्ट को लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा और फिर वापस इसको क्लोज करते हैं। अब मैं इसको एंटर मार के देखता हूं। ओके, अब मैं यहां पे मार्च देता हूं तो मार्च का, अप्रैल देता हूं तो अप्रैल का, मई देता हूं तो मई का, जैन देता हूं तो जैन का डेटा। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं सर? पुनीत जी कुछ समझ में आया? हेलो, कुछ समझ में आया कि नहीं सर? बेसिकली क्या है ना सर, कि जो हमने फिल्टर फॉर्मूला लगाया था उसमें जैन का रेफरेंस दिया था, तो जैन फेब मार्च हो जाए तो हमने कॉन्क्रेनेट माने कि बाकी एड्रेस तो फिक्स है सबका ए से वन तक, सिर्फ जैन फेब चेंज करना है तो इसको हमने इसके साथ लिंक कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्क्रेनेट करने के बाद ये अपने आप को रेफरेंस शो नहीं करता है। अगर मैं इसकी फॉर्मूला को एवलेट करूँ तो आप देखेंगे, यहाँ देखिए, देखा सर, तो इन्वर्टर कुमा में है तो इनडायरेक्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस। इनडायरेक्ट काम यही है कि रेफरेंस में कन्वर्ट करता है और फिल्टर फॉर्मूला निकाल के देता है। बट क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर फिल्टर नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? फिल्टर फॉर्मूले, क्योंकि फिल्टर फॉर्मूला 2007 में चलता है ना सर, तो सॉरी 2019 में चलता है, 2007 वगैरह हो तो क्या करेंगे, राइट सर? तो हमें देखना होगा कि मेरा डेटा किस एरिए पे, जैसे A1 से लेके मान लीजिए हमारा डेटा 20 तक है, A1 से मेरा डेटा 20 तक। सबसे पहले मैं यहां काउंट का फॉर्मल, मैं यहां पे मान लीजिए सिलेक्ट सीट है हमारा, सिलेक्ट सीट में हमने यहां पे मान लीजिए जैन दिया, तो सबसे पहले मैं यहां पे काउंट निकालूंगा, काउंट
जैन में काउंट ए होगा, माफ कीजिएगा काउंट रखना पड़ेगा, काउंट ए आएगा, ठीक है। अब यहां पे सीरियल नंबर देंगे वन, और यहां कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए प्लस वन करने पे ग्रेटर देन जीरो होता है तो, नहीं ग्रेटर देन जीरो नहीं, यहां पे ग्रेटर देन ट्वेंटी होता है तो यहां पे ब्लैंक हो, अदरवाइज इसमें प्लस वन हो। फिर इसमें हम आते हैं इफ एरर का कमांड देते हैं, और फिर यहां पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिए। नीचे ड्रैग करना है तो मुझे बी फाइव को फ्रीज करना होगा, और फिर इसको एक मिनट, नीचे तक ड्रैग करना है। अब जो काउंट हमने लगाया है इसमें जैन है, अब हर सीट का अलग अलग हो सकता है ना सर, तो हमने क्या किया इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट, इनडायरेक्ट फॉर्मूला यहां भी लगेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला सिंपल सा ऑफसेट का, ऑफसेट यहां पे गए कॉमा जीरो कॉमा जीरो नेम आ गया। अब यहां हमें जैन को हटाना होगा, इसको लेके इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करना है और इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा हमें इससे पहले। और सी 13 को फ्रीज करते हैं, अब यहां ए के जगह पे हमारा बी हो जाएगा, बी के जगह पे हमारा सी हो जाएगा। नहीं ऐसे इसको एबीसी करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा कॉलन रो है ना यहाँ पे कॉलन, तो कॉलन जीरो कर दिया, अब यहाँ पे कॉलन वन कर दिया, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉलम का, तो इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे काफी बड़ा कॉलम में दिक्कत जाएगी ना सर। कॉलम टू आया, अब टू में यहाँ माइनस वन कर देंगे तो क्या आएगा माइनस टू, टू में टू जीरो से करना है ना, टू कर दिया जीरो आएगा। अब इसी जीरो को कॉपी करते हैं और एक कॉलम नंबर पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, आ गया फाइव तक। रो नंबर है हमारा, इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। यहां जो रो नंबर में जीरो है, जीरो के जगह पे ए हो जाएगा, बराबर। और सॉरी यहां पे इसको फ्रीज करना पड़ेगा, ये एट का ए फ्रीज करना, और फिर नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर जहां तक नंबर होगा, और इसमें इफ एरर तो हम लगाते ही हैं पता ही है। समझ में आया कि नहीं सर, या सर के ऊपर से निकल गया
19 आ रहा है, हाँ हाँ 20 एक 19 तक ही है ना बेटा हमारा, 19 ही है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे फैब सेलेक्ट करता हूँ तो फैब सीट से डेटा दे देगा, मार्च सीट करता हूँ तो मार्च सीट से दे देगा, और अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ तो अप्रैल सीट से देगा। अब ये फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया आप लोग बताइए। पुनीत जी, खान जी एंड भुवन जी, कोई डाउट आपको? प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। देखिए क्या है कि हमारे पास अलग अलग शीट्स है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक शीट का नाम लिखूं, उसे यहाँ पे हमने बोला कि मैं यहाँ शीट का नाम लिखूंगा फैब, तो फैब शीट का जो डेटा है ना वो पूरा का पूरा आना चाहिए। जो भी सीट नेम लिखूं सीट का नेम का डेटा आना चाहिए। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है 2016 वगैरह, तो फिल्टर फॉर्मूले में आप इनडायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से इसको आपस में ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं। बट आपके पास फॉर्मूला, आपके पास ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा जब आपके पास सिस्टम में 2007, 2013, 16 फॉर्म अगर हुए तो उस केस में हम ये जो एग्जांपल दिए हैं ना, इस एग्जांपल का इस्तेमाल करें। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अंकित जी, मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। थैंक यू। हाँ बोलिए सर, कुछ बोले थे।